करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। गाली देकर अधिकारियों को फटकार लगाने वाली विधायक ने गाया प्रभुजी मोरे अवगुण चित ना धरो। है बेरोजगारी, दसवीं पास नौकरी के लिए MBA पास कर रहे हैं अप्लाई, तो देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक कोविंद मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार 26 चयनित विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में नवचार, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी श्रेणी के तहत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे अब बाल शक्ति पुरस्कार का नाम दिया गया है, के लिए संयुक्त पुरस्कार भी शामिल है। दमोह, गाली गलौज करके अधिकारियों को फटकार लगाने वाली बसपा विधायक रामबाई का नया रूप देखने को मिला है। विधायक अपने पुराने अंजाम को छोड़ भजन गाने में लगी हुई है, हालांकि पुराना रूप उन्होंने अभी नहीं छोड़ा है। दमोह के बाद छतरपुर में उनका एक अधिकारी को फटकार लगाने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। नई दिल्ली केजरीवाल सरकार द्वारा त्यागराज स्टेडियम में लगाए गए जॉब फेयर में भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि पिछले करीब एक पखवाड़े से दिल्ली के हर एक कोने में त्यागराज स्टेडियम में लगने वाले मेगा जॉब फेयर से जुड़े पोस्टर बैनर नजर आ रहे थे। हालात ये हुए कि MBA युवक भी उस जॉब के लिए अप्लाई करते देखे गए, जिसके एलिजिबिलिटी मात्र 10वीं पास थी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS दिल्ली की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।